स्वागत आप सभी के कार्वर्सल पे। हर्ष बबरे मेरा नाम लेगे। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा XUV 700 का या फिर महिंद्रा रेक्सन का या सैगयोंग रेक्सन का टोयोटा फॉर्च्यूनर से उनकी प्राइसिंग का कंपैरिजन करेंगे, उनकी स्पेसिफिकेशंस और उनकी फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे। तो इस वीडियो बने रहे इन सारी बातों के बारे में जानने के लिए। तो जो महिंद्रा है वो एक इंडियन बेस्ड SUV मेकिंग कंपनी है और जो टोयोटा है वो एक जापानीज बेस्ड कार मेकिंग कंपनी है। तो और जो सैंगयोंग है वो एक कोरियन कार मेकिंग कंपनी है जो कि महिंद्रा ने एक्वायर कर ली थी 2011 में, जो कि मेनली SUVs ही बनाते हैं। और जो रेक्सटन है उनकी एक SUV है, फ्लैगशिप SUV है, जो कि इंडिया में पहले सैंगयोंग रेक्सटन के नाम से बिकी थी और अब शायद वो महिंद्रा XUV 700 के नाम से बिकेगी। तो अगर आप महिंद्रा XUV 700 का और फॉर्चुनर का एक्सटीरियर में कंपेरिजन करें तो इन दोनों का जो हेडलाइट्स है और टेल लाइट्स है, दोनों की LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स मिलती है आपको। फिर अगर आप व्हील्स पे जाएंगे तो आपको दोनों के 18 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और अगर आप फॉर्चुनर में जाएंगे तो आपको दो स्टाइल्स के मिलते हैं। अगर आप फोर व्हील ड्राइव वाला वर्जन लेंगे तो आपको एक बेटर वाला जो है आपको एक स्पेक मिलता है, और अगर आप थोड़ा जो टू व्हील ड्राइव वाले लेंगे तो आपके डिफरेंट स्टाइल के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। उसके बाद अगर आप इनकी हाइट और इनकी लेंथ में जाए तो ऑलमोस्ट सेम हाइट और लेंथ है इनकी। फिर इसके बाद इनके जो बूट्स हैं वो दोनों ही पावर ड्रिवन टेल बूट्स हैं इनके। फिर इसके बाद अगर आप इनकी रूफ में जाए तो जो XUV 700 है उसमें आपको सनरूफ मिलती है, फॉर्चुनर में आपको सनरूफ नहीं मिलती। सिर्फ फॉर्चुनर ही है अब इस पूरे सेगमेंट में गाड़ी जिसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती। फिर उसके बाद अगर आप इंटीरियर में आते हैं तो इंटीरियर में आपको जो आपको XUV 700 है उसमें आपको 9 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जबकि आपको फॉर्चुनर में 7 इंच का मिलता है। उसके बाद अगर आप इनके इंजन में बात करें तो दोनों में दो तरह के इंजन आते हैं। पता नहीं अब XUV 700 में पेट्रोल वाला इंजन आएगा इंडिया में या नहीं। वैसे अगर आप दोनों के इंजन की कंपेरिजन करें तो पेट्रोल में XUV 700 में 2.0 लीटर का एक 4 सिलेंडर का इंजन आता है और फॉर्चुनर में एक 2.6 लीटर का एक पेट्रोल का इंजन आता है। तो अगर आप रेक्सन की बात करें तो उसमें 225 हॉर्स पावर निकलती है और 250 Nm का टॉर्क निकलता है अगर आप पेट्रोल वाला वेरिएंट लेंगे। और अगर आप फॉर्चुनर की बात करते हैं तो उसमें 169 हॉर्स पावर निकलती है और उसके बाद 240 Nm का टॉर्क निकलता है अगर आप पेट्रोल वाला इंजन लेंगे। तो उसके बाद अगर आप इनके डीजल के इंजन में बात करते हैं जो कि इनके मेन इंजन हैं, तो आपको रेक्सन में एक 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर का इंजन मिलेगा जिसमें 185 हॉर्स पावर है और 420 Nm का टॉर्क है। और अगर आप फॉर्चुनर में देखें तो उसमें एक 2.8 लीटर का इंजन है जिसमें आपको 173 हॉर्स पावर मिलती है और 450 Nm का टॉर्क मिलता है। तो एक जगह आपको टॉर्क ज़्यादा मिलता है गाड़ी में और एक जगह आपको हॉर्स पावर ज़्यादा मिलती है। फिर उसके बाद अगर आप इनकी ट्रांसमिशन में जाए तो दोनों में 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते हैं और दोनों में आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। तो उसके बाद अगर आप इनके और फीचर्स में बात करें तो दोनों ही 7 सीटर SUVs हैं। उसके बाद अगर आप इनकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो और इनके एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको रेक्सटन में जो सीट का कलर है वो थोड़ा बेज इंटीरियर जैसा मिलता है जो कि ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, और फॉर्चुनर में आपको नॉर्मल ब्लैक और एक ब्राउनिश टैन वाला इंटीरियर मिलता है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स में बात करें तो आपको सैंगयोंग जो XUV 700 है उसमें आपको एक ऑप्शनल मिलता है जिसमें आप 10.2 इंच की आप रेड डिस्प्लेस लगा सकते हैं। फॉर्चुनर में ये ऑप्शन है शायद, लेकिन ये इतना ज़्यादा लोग लेते नहीं है। तो उसके बाद अगर आप जो सनरूफ वाला जो फीचर है वो एक XUV 700 में उसका प्लस पॉइंट ना था जो कि फॉर्चुनर में नहीं है, क्योंकि अब इस सेगमेंट में हर SUV में सनरूफ या भी एक पैनोरामिक सनरूफ है ही, लेकिन फॉर्चुनर ही सिर्फ ऐसी गाड़ी है जिसमें ये सनरूफ नहीं है। तो उसके बाद अगर हम इनकी प्राइसिंग का कंपैरिजन करें तो फॉर्चुनर की एक शोरूम प्राइसिंग 27 लाख से लेकर 32 लाख की है, और मतलब अगर आप ऑन रोड लेंगे तो 39 लाख का टॉप मॉडल है फॉर्चुनर का, और जो रेक्सन है उसका टॉप मॉडल बेसिक 33 लाख के आसपास होना चाहिए। अभी पता नहीं कितने का होगा, लेकिन र्यूमर से ये है कि इतने का होगा, 33 से 34 लाख के आसपास का होगा उसका टॉप मॉडल। और अगर आप लोएस्ट मॉडल की बात करें तो फॉर्चुनर का ऑन रोड प्राइस है लोएस्ट मॉडल का 31 लाख रुपीज़। और अगर आप रेक्सन के बारे में अगर XUV 700 के बारे में बात करेंगे तो उसका टॉप मॉडल लोएस्ट मॉडल 28 लाख के अराउंड होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब मत भूलिएगा कार्वर्सल को।